अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू. आई होप यू ऑल आर फाइन विद गुड हेल्थ. आई एम हियर योर साइंस टीचर टू डिलीवर ऑनलाइन लेक्चर. इट्स 15 सितंबर 2020 एंड द डे इज़ ट्यूसडे. टॉपिक हाउसेज वी लिव इन. लास्ट लेक्चर में हमने इस टॉपिक की बुक एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. रिमेनिंग बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. Lesson 8, Houses We Live In, Book Exercise. Before starting our book exercise, we will watch a short video about houses, types of houses. Okay, students, let's play the video. Of houses. But before starting with the types, I would like to tell you, what is a house? A house is a place made for people to live in. The house in which we live with our family is called our home. Our house protects us from rain, wind, thieves, wild animals, and heat. There are basically two types of houses, kacha house and pakka house. Kacha house is also called hut. As you can see in the picture, these houses are mostly made up of mud, straw and dry leaves. They are not very strong. They are even made up of wood and called wooden houses. For this, bamboos are also used to make the houses. Pakka house. These houses are made up of bricks, iron rod, cement, etc. It is also called permanent house. The reason behind this is these houses are very strong and we cannot move these houses. They are fixed at one place. Okay, students, now take out your science books and open page number 52. बुक एक्सरसाइज नंबर सी से स्टार्ट करेंगे. ए एंड बी हमने कर ली थी. आज हम बुक एक्सरसाइज नंबर सी से स्टार्ट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन इज डैश एंड डैश हाउसेज आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज. पक्का एंड कच्चा हाउसेज आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज. सेकेंड इज डैश हाउसेज आर नॉट एक्सपेंसिव टू बिल्ड. कौन से हाउसेज ऐसे जिनको बनाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं. आंसर इज कच्चा. KUTCHA कच्चा. नंबर थर्ड इज हाउसेज ऑन व्हील्स आर कॉल्ड डैश. ऐसे घर जो कि व्हील्स के ऊपर टायर के ऊपर बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है. कारावैन. CARAVAN कारावैन. नंबर फोर्थ इज व्हेन यू गो ऑन कैंपिंग यू कैन लिव इन अ डैश. अगर आप कैंपिंग पे जाएं तो आप किस में रह सकते हैं. टेंट. TENT टेंट. नंबर फिफ्थ इज हाउसेज बिल्ड ऑफ आइस आर कॉल्ड डैश. ऐसे घर जो कि आइस से बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं. इग्लू. इग्लू. IGLOO इग्लू. नंबर सिक्स इज रूफ्स कैन बी डैश और डैश. रूफ जो है घरों की छतें कितने टाइप्स की होती हैं. किस टाइप की हो सकती हैं. फ्लैट. एक तो सीधी जो फ्लैट होती हैं और स्लॉपिंग तिरछी स्लॉपिंग रूफ्स होती हैं कुछ घर की. एंड नंबर सेवन इज अ हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड डैश. एक जो घर होता है उसमें सनलाइट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए. फ्रेश एयर. FRESH फ्रेश एयर. एक घर में जो है वो प्रॉपर सनलाइट और फ्रेश एयर आनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट आप एक्सरसाइज नंबर डी देखें. इसमें आपने कलरिंग करनी है. इसमें से जो टेम्प्ररी हाउसेज हैं जो कि वक्ती तौर पे बनाए जाते हैं उन पे आपने कलर करना है. सो ये एक्टिविटी आप कर लीजिएगा. कलरिंग कर लीजिएगा. नाउ एक्सरसाइज नंबर ई. फिल सॉरी हाँ एक्सरसाइज नंबर ई पेज नंबर 53. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आपने बताना है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड विच वन इज़ फॉल्स.
Number one is houses do not protect us from heat and cold. क्या हमारे घर हमें heat and cold से नहीं बचाते? It's false. क्योंकि our houses protect us from heat and cold. False. 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 Number second is पक्का houses are built by using mud and bamboo. जो पक्का houses होते हैं वो बनाने के लिए mud, मिट्टी और bamboos use होते हैं. No, it's false. 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 Number three is houses on wheels are called caravans. ऐसे घर जो कि wheels के ऊपर बनाए जाते हैं उनको caravans बोलते हैं. It's true. 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 Houses on wheels are called caravans. It's true. Number fourth is many people in Lahore live in houseboats. क्या लाहौर के बहुत ज़्यादा लोग हाउस बोट्स में रहते हैं? इट्स फॉल्स. FALSE. ऐसा नहीं है. नंबर फिफ्थ इज एस्किमोज लिव इन इग्लूज. हमने लेसन की रीडिंग करते हुए पढ़ा था कि ऐसे लोग जो कि इग्लूज में रहते हैं उनको एस्किमोज बोलते हैं. इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. TRUE. True. Number sixth is sloping roofs are good for places having snowfall. Yes. ऐसी जगह जहाँ पे snowfall होती है वहाँ के घरों की sloping roofs होती हैं, मतलब कि तिरछी होती हैं, क्योंकि ताकि उधर बहुत ज़्यादा snow होती है तो snow जो है वो stay ना कर सके roofs पर, इसलिए उस टाइप के घर बनाए जाते हैं जिनकी रूफ्स स्लोपिंग होती हैं. सो द लास्ट वन इज ट्रू. TRUE. ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी बुक एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट लेसन में हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. नाउ नोट डाउन योर होम टास्क एंड योर होम टास्क इज लर्न बुक एक्सरसाइज ऑफ लेसन 8. लेसन 8 की जितनी भी हमने बुक एक्सरसाइजेस की हैं, जो लास्ट लेक्चर में की थी, जो आज की हैं, आपने सारी विद स्पेलिंग्स अच्छी तरह से लर्न करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. स्टे सेफ़.